हेलो नमस्ते, मैं हूँ श्रीदेवी द सीईओ डीजी एंड ला चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको सामान्य ज्ञान हिंदी से जुड़े 25 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तरों के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप डीजी एंड ला के चैनल में नए हैं तो अभी इसी पर सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर ले। बेल आइकन पर क्लिक करने से अधिसूचना माने नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगी, सभी लेटेस्ट वीडियोस देख पाओगे। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अब 25 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तरों के बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न, अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर हुआ? ऑप्शन ए महाभाष्य, ऑप्शन बी नाग कुमार चेरिवू। दूसरा प्रश्न, अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए बहुसंख्यक, ऑप्शन बी महासंख्यक। पहला और दूसरा प्रश्न और उसके उत्तरों के बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न, अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर हुआ? सही उत्तर ऑप्शन ए महाभाष्य। दूसरा प्रश्न, अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन ए बहुसंख्यक। तीसरा प्रश्न, आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है? जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है, यह कथन गोदान के किस पात्र का है? ऑप्शन ए मेहता, ऑप्शन बी होरी। चौथा प्रश्न, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? ऑप्शन ए खंड काव्य, ऑप्शन बी महाकाव्य। तीसरा और चौथा प्रश्न और उसके उत्तर इस प्रकार है। तीसरा प्रश्न, आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है? जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है, यह कथन गोदान के किस पात्र का है? सही उत्तर ऑप्शन बी होरी। चौथा प्रश्न, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? सही उत्तर ऑप्शन बी महाकाव्य। पांचवा प्रश्न, कालिदास की अंतिम रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन बी राजा शिवप्रसाद। छठवां प्रश्न, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1893 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1865 ईस्वी में। पांचवा और छठवां प्रश्न और उसके उत्तर इस प्रकार है। पांचवा प्रश्न, कालिदास की अंतिम रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? सही उत्तर ऑप्शन ए राजा लक्ष्मण सिंह। छठवां प्रश्न, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई? सही उत्तर ऑप्शन ए 1893 ईस्वी में। सातवां प्रश्न, गंगा अवतरण काव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन बी राम नरेश त्रिपाठी। आठवां प्रश्न, गीला कहानी के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी अज्ञेय। सातवां और आठवां प्रश्न और उसके उत्तर इस प्रकार है। सातवां प्रश्न, गंगा अवतरण काव्य के रचयिता कौन है? सही उत्तर ऑप्शन ए जगन्नाथ दास रत्नाकर। आठवां प्रश्न, गीला कहानी के लेखक का नाम क्या है? सही उत्तर ऑप्शन ए प्रेमचंद। नौवां प्रश्न, गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? ऑप्शन ए कोंकणी, ऑप्शन बी पुर्तगाली। दसवां प्रश्न, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद। नौवां और दसवां प्रश्न और उसके उत्तर इस प्रकार हैं।
नवा प्रश्न, गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? सही उत्तर ऑप्शन ए कोंकणी। दसवां प्रश्न, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? सही उत्तर ऑप्शन ए ऋग्वेद। ग्यारहवां प्रश्न, छायावादी कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं को किस वाद के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन ए प्रतीकवाद, ऑप्शन बी रहस्यवाद। बारहवां प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। ग्यारहवां और बारहवां प्रश्न और उसके उत्तरों के बारे में जानेंगे। ग्यारहवां प्रश्न, छायावादी कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं को किस बात के अंतर्गत रखा गया है? सही उत्तर ऑप्शन बी रहस्यवाद। बारहवां प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन हैं? सही उत्तर ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत। तेरहवां प्रश्न, तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी विष्णु। चौदहवां प्रश्न, दक्षिण भारत हिंदी समिति की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1918 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1946 ईस्वी में। तेरहवां और चौदहवां प्रश्न और उसके उत्तर इस प्रकार है। तेरहवां प्रश्न, तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? सही उत्तर ऑप्शन ए राम। चौदहवां प्रश्न, दक्षिण भारत हिंदी समिति की स्थापना कब हुई? सही उत्तर ऑप्शन ए 1918 ईस्वी में। पंद्रहवां प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। सोलहवां प्रश्न, नवल सुंदर श्याम में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक अलंकार, ऑप्शन बी उल्लेख अलंकार। पंद्रहवां और सोलहवां प्रश्न और उसके उत्तर इस प्रकार है। पंद्रहवां प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? सही उत्तर ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। सोलहवां प्रश्न, नवल सुंदर श्याम में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर ऑप्शन बी उल्लेख अलंकार। सत्रहवां प्रश्न, निम्न में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए रत्नगर्भा, ऑप्शन बी हिरण्यगर्भा। अठारवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जनार्दन का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए गरुड़ध्वज, ऑप्शन बी महेश्वर। सत्रहवां और अठारवां प्रश्न और उसके उत्तरों के बारे में जानेंगे। सत्रहवां प्रश्न, निम्न में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन ए रत्नगर्भा। अठारवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जनार्दन का पर्यायवाची नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन बी महेश्वर। उन्नीसवां प्रश्न, पद्मावत के कुल सर्गों अथवा खंडों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 57, ऑप्शन बी 47। बीसवां प्रश्न, भाषा का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए व्यक्त ध्वनियों से, ऑप्शन बी संकेतों से। उन्नीसवां और बीसवां प्रश्न और उसके उत्तर इस प्रकार है। उन्नीसवां प्रश्न, पद्मावत के कुल सर्गों अथवा खंडों की संख्या कितनी है? सही उत्तर ऑप्शन ए 57। बीसवां प्रश्न, भाषा का निर्माण किससे होता है? सही उत्तर ऑप्शन ए व्यक्त ध्वनियों से। इक्कीसवां प्रश्न, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में
किस रस को मान्यता मिली है? ऑप्शन ए भक्ति रस, ऑप्शन बी अद्भुत रस। 22वां प्रश्न, शुद्ध कविता की खोज नामक आलोचनात्मक कृति किस साहित्यकार की है? ऑप्शन ए अमृतलाल चक्रवर्ती, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। 21वां और 22वां प्रश्न और उसके उत्तर इस प्रकार है। 21वां प्रश्न, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? सही उत्तर ऑप्शन ए भक्ति रस। 22वां प्रश्न, शुद्ध कविता की खोज नामक आलोचनात्मक कृति किस साहित्यकार की है? सही उत्तर ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। 23वां प्रश्न, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी वीर रस। 24वां प्रश्न, हिंदी साहित्य का नववा रस कौन सा है? ऑप्शन ए करुण रस, ऑप्शन बी शांत रस। 23वां और 24वां प्रश्न और उसके उत्तर इस प्रकार हैं। 23वां प्रश्न, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन ए श्रृंगार रस। 24वां प्रश्न, हिंदी साहित्य का नववा रस कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन बी शांत रस। 25वां प्रश्न, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? ऑप्शन ए वीर गाथा काल, ऑप्शन बी चारण काल। 25वां और आखिरी प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। 25वां प्रश्न, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? सही उत्तर ऑप्शन ए वीर गाथा काल। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो अब जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। आप एक सहृदय मानव के नाते औरों की मदद करना चाहते हैं तो शेयर करें, जिससे विश्व में किसी भी कोने में स्थित लोगों को पहुंच जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू।